करवा चौथ एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रमा दर्शन तक ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। चांद निकलने के बाद पूजा अर्चना के साथ व्रत खोलने की परंपरा होती है। कई बार पूरे दिन व्रत रख कर महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ जाती है। ऐसे में डाइटिशियन ने महिलाओं की सेहत के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं। आपको बताते हैं कि आखिर करवा चौथ के दिन किस तरीके से व्रत रखा जाए। एक दिन पहले हल्का और संतुलित आहार लें, पानी और तरल पदार्थ अधिक पिएं। व्रत खोलते समय नारियल पानी के साथ शुरुआत करें। दही, गेहूं की रोटी, चावल और सब्जी जैसे हल्के आहार ही लें। ड्राई फ्रूट्स और ताजा फल खाना भी फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्या ना करें। बाहर का मसालेदार या तला भुना भोजन ना करें। मैदा से बनी चीजों से परहेज करें और व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम ना करें। आपको जब व्रत छोड़ना है तो ध्यान रहे आप नारियल पानी से व्रत छोड़ें, वो भी पानी ही है, थोड़ा सा पानी पीने के बाद, जिससे आपका जो इलेक्ट्रोल बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है वो बैलेंस रहेगा। उसके बाद में नॉर्मल जो डाइट है, कम स्पाइसी, बहुत ऑयली मैदे की चीज़ें, नहीं कुल मिला के आपको बाहर का खाना नहीं खाए, घर पे ही एक पूरा थाल बनाए, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। करवा चौथ का ये पावन पर्व न केवल प्रेम और आस्था का प्रतीक है बल्कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी एक अच्छा अवसर है। सही तरीके से उपवास समाप्त करना न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे आप त्योहार का आनंद भी पूरी तरह ले पाती हैं। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से मीनू ठाकुर की रिपोर्ट।